Subscribe to Shimaru Good Health 24/7 and hit the bell icon to stay fit and healthy. गर्भावस्था का सातवां महीना, उसमें होने वाले लक्षण बच्चे का विकास और शारीरिक बदलावों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं। इस वीडियो में गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के शुरुआत यानी गर्भावस्था के सातवें महीने यानी कि 25वें सप्ताह से 28वें सप्ताह तक उनसे सारी जानकारियां हम देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने में लक्षणों से। गर्भावस्था के सातवें महीने में कुछ नए लक्षण नजर आते हैं। जरूरी नहीं कि सभी लक्षण अच्छा ही महसूस कराएं, कुछ लक्षण परेशानियां भी लेकर आते हैं। इस दौरान आपको ऐसा कुछ महसूस हो सकता है जैसे, पहला, योनि स्त्राव में वृद्धि। गर्भावस्था में योनि स्त्राव होना सामान्य है। शुरुआती समय में ये किसी भी तरह के संक्रमण को गर्भाशय तक पहुंचने से रोकता है। समय के साथ साथ शिशु का सिर श्रोणि भाग पर दबाव डालता है जिस कारण योनि से रिसाव होने लगता है। हालांकि ये सामान्य है, लेकिन अगर आपको इस स्त्राव से दुर्गंध आने लगे तो एक बार डॉक्टर से संपर्क कर लें। दूसरा, स्तनों में रिसाव होना। दोस्तों, गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में स्तनों से रिसाव होना शुरू हो जाता है। ये गाढ़ा और पीले रंग का पदार्थ होता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये रिसाव दिन में किसी भी समय हो सकता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, ये एकदम रंगहीन हो जाता है और ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया है। तीसरा, अपच। गर्भावस्था में अपच की समस्या होना आम है। इस दौरान अक्सर पेट फूलना, छाती में जलन व जी मिचलाना जैसा महसूस हो सकता है। ये समस्या तीसरी तिमाही में ज़्यादा बढ़ जाती है। शिशु के विकसित होने से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता जिस कारण अपच की समस्या होने लगती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के सातवें महीने में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। ये अब आपकी अंतिम तिमाही की शुरुआत है। इस समय तक आपका पेट और बढ़ जाएगा और कई तरह के शारीरिक बदलाव देखने को मिलेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि सातवें महीने के दौरान शरीर में क्या क्या शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। पहला, सातवें महीने तक आपका वजन काफी बढ़ जाता है जो गर्भावस्था में सामान्य है। इस समय तक आपका करीब 5 किलो वजन बढ़ सकता है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट पर खिंचाव के निशान ज्यादा दिखने लगेंगे। दूसरा, इस दौरान आपका गर्भाशय नाभि के ऊपर आ जाएगा और कभी कभी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। गर्भाशय ऊपर आने से आपको सोने में तकलीफ हो सकती है। तीसरा, पहले के मुकाबले स्तन और बड़े हो जाएंगे, निप्पल के आसपास का रंग और गहरा हो सकता है। और चौथा, शरीर में हो रहे तेज रक्त प्रवाह के चलते शरीर में सूजन आना सामान्य है। पांचवा, वजन बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। आइए अब जानते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने में बच्चे का किस तरह विकास होता है। पहला, गर्भावस्था के सातवें महीने तक शिशु का आधे से ज्यादा विकास हो जाता है। दूसरा, आपका शिशु अब बाहर की आवाजों पर प्रतिक्रिया भी दे सकता है और अंगड़ाइयों के साथ जमाइयां भी ले सकता है। तीसरा, इस महीने तक शिशु की पलकें और भौं आ जाती है। चौथा, अब शिशु आंखें खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है। पांचवा, इसके अलावा गर्भावस्था के सातवें महीने के अंत तक शिशु लगभग 14 इंच लंबा हो जाता है और उसका वजन 1 किलो के आसपास हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे गर्भावस्था के सातवें महीने में देखभाल कैसे करें। गर्भावस्था का सातवां महीना आखिरी तिमाही की शुरुआत है। इस दौरान खास देखभाल की जरूरत होती है। आपकी जीवन शैली कैसी है, आप क्या खा रही हैं और किन चीज़ों से आप परहेज करती हैं, ये सब आपकी गर्भावस्था पर असर डालता है। अब हम बात करने जा रहे हैं गर्भावस्था के खान पान की। सबसे पहले जानते हैं कि गर्भावस्था के सातवें महीने में क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। गर्भावस्था के सातवें महीने में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। ये गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए आप जो भी खाएं पौष्टिक खाएं ताकि आपको और शिशु को भरपूर पोषण मिले। पहला, आयरन युक्त खाद्य पदार्थ। तीसरी तिमाही में खून की कमी से बचने के लिए भरपूर मात्रा में आयरन युक्त भोजन खाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान रोजाना 27 mg आयरन लेना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम युक्त भोजन। गर्भावस्था में बच्चे के विकास के लिए कैल्शियम जरूरी है, खासतौर पर तीसरी तिमाही में। हालांकि इस दौरान अतिरिक्त कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं होती। तीसरी तिमाही में रोजाना 1000 mg कैल्शियम लेना चाहिए। तीसरा,
मैग्नीशियम युक्त खाना। दोस्तों, मैग्नीशियम कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। इसके अलावा ये पैरों में होने वाली ऐंठन से राहत दिलाता है। चौथा, DHA से भरपूर खाना। DHA एक फैटी एसिड है जो शिशु के दिमागी विकास के लिए बेहद जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान रोजाना 200 mg DHA लेने की सलाह दी जाती है। इसके लिए आप कम स्तर की मरकरी वाली मछली, संतरे का जूस, दूध व अंडा ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने में कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। गर्भावस्था के सातवें महीने में सीने में जलन, पैरों में सूजन व कब्ज जैसी समस्याएं होना आम है। खान पान में परहेज करने से इन समस्याओं से राहत पाई जा सकती है। सबसे पहले, मसालेदार और ज्यादा फैट वाली चीजें। आपको इस दौरान ऐसी सभी चीजें खाने से बचना है जिनमें तेल मसालों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता हो। इनसे सीने में जलन की समस्या बढ़ सकती है। दूसरा, सोडियम का ज्यादा इस्तेमाल। शरीर में सूजन आना आम बात है। इससे बचने के लिए आपको सोडियम की मात्रा कम करनी होगी। ज्यादा नमक वाली चीजें जैसे चिप्स, डिब्बा बंद आहार व बाजार का आचार खाना कम करना चाहिए। तीसरा, कैफीन अल्कोहल। दोस्तों, गर्भावस्था में शराब, तंबाकू, सिगरेट और कैफीन युक्त चीजें जैसे चाय, कॉफी, इनके सेवन से बचना चाहिए। इनसे शिशु के विकास में बाधा पहुंचती है। चौथा, जंक फूड। इस दौरान जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर और बाहर की चाट पकौड़ियां खाने से बचें। ये चीजें आपके पाचन को खराब करती है और इनमें पोषक तत्व भी नहीं होते हैं। अगर ज्यादा ही मन करे तो आप घर पर ही ताजी सब्जियों जैसे गाजर, खीरा, टमाटर का सैंडविच खा सकती हैं। सैंडविच बनाने के लिए आप गेहूं के आटे की ब्रेड का इस्तेमाल करें। चलिए अब बात करते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने के लिए व्यायाम। व्यायाम हर किसी के लिए जरूरी है। ये आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि तरोताजा भी रखता है। क्योंकि ये गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा कोई आसन नहीं करना चाहिए जिससे शिशु को नुकसान पहुंचे। आप चाहे तो इस दौरान अनुलोम विलोम और हल्की फुल्की सैर कर सकती है, लेकिन ज्यादा शारीरिक गतिविधियां इस महीने में करने से मना की जाती है। फिर भी अगर आप व्यायाम करने के इच्छुक हैं, तो एक बार विशेषज्ञ से संपर्क करें, वो आपकी शारीरिक स्थिति देखकर उचित व्यायाम बताएंगे। अब हम जानेंगे गर्भावस्था के सातवें महीने के दौरान कुछ स्कैन्स और परीक्षणों के बारे में। गर्भावस्था में नियमित रूप से चिकित्सीय जांच करवाना बेहद जरूरी है ताकि शिशु के विकास और स्वास्थ्य पर नियमित रूप से नजर बनाई जा सके। चलिए अब बात करते हैं जांच के बारे में। इस दौरान डॉक्टर शिशु के विकास की पूरी जांच करेंगे। शिशु के दिल की धड़कन की जांच के लिए फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, आपका रक्त संचार, गर्भाशय का आकार व किसी तरह का संक्रमण पता लगाने के लिए पेशाब की जांच की जाती है और इसके अलावा बायोफिजिकल प्रोफाइल टेस्ट व CST यानी कि कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट अल्ट्रासाउंड की मदद से होता है जिसमें शिशु के दिल का स्वास्थ्य जांचा जाता है। ये जांच गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने में क्या क्या करनी चाहिए। खान पान। इस दौरान सबसे ज्यादा जरूरी है सही खान पान। गर्भावस्था के सातवें महीने में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह लेकर अखरोट और समुद्री भोजन का इस्तेमाल कर सकती हैं। नियमित रूप से सैर करें। सातवें महीने में नियमित रूप से सैर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे आपको प्रसव के दौरान आसानी होगी। नियमित रूप से जांच कराएं। डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवाना जरूरी है। इसमें किसी तरह की लापरवाही ना बरतें। अगर जांच में लगे कि शिशु के लिए अतिरिक्त पोषण की जरूरत है तो अपनी खुराक में सुधार लाने की जिम्मेदारी आपकी है। जरूरी अनुपूरक लें। गर्भावस्था में आप जो खा रही हैं केवल उतना ही आपके लिए और शिशु के लिए काफी नहीं है। शिशु का ठीक ढंग से विकास हो उसके लिए डॉक्टर के बताए हुए जरूरी अनुपूरक लेना आवश्यक है। खुद को व्यस्त रखें। डिलीवरी का समय जितना नजदीक आएगा महिला की घबराहट उतनी ही बढ़ सकती है, इसलिए ज्यादा ना सोचते हुए खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करें। आप चाहें तो अपनी पसंदीदा किताब पढ़ सकती हैं या पसंदीदा गाना सुन सकती है। चलिए अब जानते हैं गर्भावस्था के सातवें महीने में क्या नहीं करना चाहिए। पहला, गलत अवस्था में ना सोएं। दोस्तों, इस दौरान आप किस अवस्था में सोती हैं ये काफी मायने रखता है। दाईं ओर करवट लेकर या सीधा सोने से बचें। गर्भवती के लिए बाईं ओर करवट लेकर सोने की स्थिति सबसे सही मानी जाती है। और दूसरा, आगे की ओर बिल्कुल भी ना झुके। इस महीने में झुकने के लिए पूरी तरह से मना किया जाता है। अब आपका बेबी बंप बढ़ चुका है, ऐसे में आगे की ओर झुकने से उस पर दबाव पड़ सकता है जो शिशु के लिए हानिकारक है। दोस्तों, सातवें महीने में इस हालत में आपको कुछ चिंताएं सता सकती है, तो बात करते हैं उन चिंताओं के बारे में।
गर्भावस्था का सातवां महीना कई अनुभव लेकर आता है। एक और जहां आप अपने अंदर शिशु की हलचल को महसूस करके सुखद अनुभव लेंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य परेशानियां भी आ सकती है। जैसे पहला, सातवें महीने में अत्यधिक रक्तस्राव होने को नजरअंदाज ना करें। कई बार अपरा यानी कि प्लेसेंटा नीचे की ओर गर्भाशय ग्रीवा तक आ जाती है, जिस कारण रक्तस्राव होने लगता है। दूसरा, पेट में जोर से दर्द। दोस्तों, बढ़ते गर्भाशय के कारण पेट में हल्का फुल्का दर्द होना सामान्य है, लेकिन अगर ये दर्द आपको तेजी से और असहनीय होने लगे तो ऐसे में समय बर्बाद ना करते हुए डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा, लगातार उल्टियां होना। अगर आपको उल्टियां हो रही है तो इसे नजरअंदाज ना करें। शरीर में पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेशन का खतरा रहता है, जिस कारण उल्टी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको होने वाले पिता के लिए कुछ टिप्स दे देते हैं। अब तक डॉक्टर ने आपको बता ही दिया होगा कि आपका बेबी अब बाहर की आवाजें सुन सकता है, इसलिए शिशु के जन्म से पहले ही उसके साथ मधुर रिश्ता बनाने का यही समय सही है। अब बाहर से उसके लिए गीत गाएं, उससे बात करने की कोशिश करें। इसके अलावा होने वाले पिता के लिए हम कुछ और टिप्स भी दे रहे हैं, जिससे आप अपनी पत्नी की इस दौरान मदद कर सकते हैं। पहला, काम में मदद करें। घर के कामों में हाथ बटाकर पत्नी की मदद कर सकते हैं। अगर आप अपना खाना नहीं बना सकते तो साफ सफाई के जरिए गर्भवती का काम हल्का कर सकते हैं। और दूसरा, समय बनाए रखें। गर्भावस्था की आखिरी तिमाही में महिला को भूलने की समस्या होने लगती है, इसलिए हो सकता है कि खाने में नमक डालना भूल जाए या अन्य कोई काम करना भूल जाए। ऐसे में आपको गर्भवती की स्थिति को समझना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब नजर डालते हैं कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर। तो पहला सवाल, गर्भावस्था के सातवें महीने के दौरान पैर दर्द होने पर क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, जवाब है, बढ़ते वजन के कारण पैरों में दर्द की समस्या आम है। इससे राहत पाने के लिए आप तेल से पैरों की हल्की मालिश करवा सकती हैं। हो सके तो एड़ी के बल कुछ देर चले। लेटते समय अपने पैरों के नीचे तकिया लगाकर पैर को ऊंचा रखिए, इससे आपको राहत मिलेगी। पैरों में खिंचाव लाएं, इसके लिए टखनों और टांगों की उंगलियों को ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचने से आपको आराम महसूस होगा। दूसरा सवाल, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे संकुचन ब्रैक्सटन हिक्स है या समय से पहले लेबर है? तो दोस्तों, ब्रैक्सटन हिक्स और लेबर पेन में अंतर होता है। एक ओर जहां लेबर पेन लगातार होता है, तो वहीं ब्रैक्सटन हिक्स 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकते हैं। लेबर का दर्द पीठ के पिछले हिस्से से शुरू होकर आगे की ओर बढ़ता है, वहीं ब्रैक्सटन हिक्स में पेट सख्त हो जाता है। ब्रैक्सटन हिक्स बीच बीच में ठीक भी होते रहते हैं। और तीसरा सवाल, क्या मैं सातवें महीने की गर्भावस्था के दौरान अपनी पीठ के बल सो सकती हूँ? तो दोस्तों, जिसका जवाब है, इस दौरान पीठ के बल सोने से मना किया जाता है। ऐसा करने से पीठ में दर्द और बढ़ सकता है और शिशु तक का रक्त प्रवाह धीमा पड़ सकता है। ऐसे में आपको बाईं ओर करवट लेकर सोने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में गर्भावस्था के सातवें महीने के दौरान की जरूरी जानकारियां मिल गई होंगी। आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर दोस्तों आपके मन में और भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनका भी बच्चा हृष्ट पृष्ट और स्वस्थ पैदा हो सके। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।